रामपुर में आज जिला अधिकारी अजय कुमार व एसपी अजय पाल शर्मा ने अंबेडकर पार्क में सभी रिक्शा वालों को बुलाया और वहीं एक मीटिंग की। मीटिंग में सभी रिक्शा वालों से बताया कि आप बिना लाइसेंस के रिक्शा नहीं चला सकते। वहीं अजय पाल शर्मा ने कहा कि अगर अवैध तरीके से कोई भी रिक्शा चलाता पाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, हमारा एक तो सड़क सुरक्षा का पूरा एक अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमारे जनपद में भी लगातार अभियान चला रहे हैं। इसमें तीन चार तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तो लोगों को जागरूक करना और ख़ासतौर से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जागरूक करना, फिर लोगों से बैठ के करके उनको समझाना, एनफोर्समेंट का काम करना जितनी जगहों पे है, और सड़क को क्लियर करने के लिए भी कार्रवाई हमारी चल रही है जिससे हम हमारे सड़क पे वाहन स्मूथली जा सकें। उसमें एक हमने कार्य ई रिक्शा के ऊपर भी किया। ई रिक्शा पे इन्फोर्समेंट करना ही है। जो अवैध ई रिक्शा है वो हटने चाहिए रोड से, लेकिन वो लोग बेरोजगार ना होने पावे ई रिक्शा हटाने के बाद। इसी के तहत हम लोग पिछले कई राउंड हमने बैंकों से बात की और ये तय किया कि जब हम किसी का ई रिक्शा अगर इन्फोर्समेंट के अंदर हटाते हैं रोड से और उसको डिसमेंटल करते हैं, उसी के दो दिन के अंदर उनको तुरंत बैंक से लोन होके उनको ई रिक्शा हाथ में आ जाए, ताकि किसी का भी रोजगार प्रभावित ना हो। ये पूरा जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने कैंप लगाया उसी चीज़ के लिए लगाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि वैध तरीके से वाहन चलें, सड़क नियमों का पालन करते हुए चलें, और हम पूरे जनपद को एक इस मोड़ पे ले जा सके जहाँ पे सभी सुरक्षित वहाँ अपने सड़कों पे चल सकते हैं। अच्छा, लोन मिलना इतना आसान नहीं होता है जबकि ये लोग गरीब लोग हैं, तो ऐसे में इनको लोन की सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं? प्रशासन इसीलिए आगे आया है और हमने इसीलिए बैंकों से कई राउंड बात की, उनको छोड़ नहीं दिया है। जितने लोग हैं उनको ये नहीं छोड़ दिया है कि वो खुद से डील करें बैंक के साथ। बैंकों के साथ हम डील कर रहे हैं और बैंकों से बात कर रहे हैं और उनको जो सारी समस्याएं बीच में आएंगी उनको उनके सोल्यूशन के लिए भी हमने न सिर्फ GMDIC को मतलब ARTO को बल्कि GMDIC को भी लगाया हुआ है। ये अधिकारियों की एक पूरी टीम इस पर काम कर रही है कि किसी को किसी तरीके की कोई समस्या ना आवे, और LDM को भी इस कार्य में लगाया गया। इसका मतलब जो ई रिक्शा और बैंक ई रिक्शा चालक और बैंकों के बीच में प्रशासन जो है कड़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और अगर कहीं से किसी तरीके की समस्या आती है तो उसको प्राथमिकता पे डील करते हैं ताकि किसी तरीके की देरी से गलत मैसेज ना।